फ्रेम में गाड़ी देख के दोस्तों आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि कौन सी गाड़ी है आज मेरे पास। ये सियाद है दोस्तों, जेटा वेरिएंट है। ये इसकी गाड़ी की चाबी है। ये 2018 का दोस्तों जेटा वेरिएंट है। आज इसका हम रिव्यू करेंगे। आप एक बड़ी गाड़ी का अंदर से इंटीरियर वगैरह देख लीजिए। 2018 जेटा वेरिएंट है दोस्तों, सियाज पेट्रोल। तो देखते हैं कि गाड़ी कितनी चला दी गई है। गाड़ी टोटल चला दी गई है दोस्तों वो 28,145 किलोमीटर चला दी गई है। इसका टोटल ओवरऑल रिव्यू दूंगा मैं। ये मेरे घर की गाड़ी है तो मेरे को इसका अच्छे से आइडिया है। गाड़ी बहुत ही कम चलाते हैं हम लोग ये, तो ये पेट्रोल वेरिएंट है दोस्तों जेटा। उस टाइम के हिसाब से इस गाड़ी में अच्छे फीचर्स थे दोस्तों। आई थिंक टॉप में एक टच स्क्रीन था एंड एक उसमें क्रूज कंट्रोल था जितना मुझे याद है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल गया था उस टाइम। म्यूज़िक सिस्टम भी कंपनी से था। ऑटोमेटिक IRVM है, रियर में एसी भी है एंड पुश बटन स्टार्ट भी है। ड्यूल एयरबैग्स हैं, स्टीरियो माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, प्लस मैन्युअली आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साइड का। आप इसका रियर सीट कंफर्ट देख सकते हैं दोस्तों। रियर स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा है, आई थिंक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इवन आप इसको अगर कंपेयर करें होंडा सिटी या वरना के साथ, वरना का तो आई थिंक शुरू से ही लेग स्पेस एक इशू रहा है। तो इसका रिव्यू दूंगा मैं आपको, कुछ इसके पॉजिटिव्स भी बताऊंगा एंड कुछ इसके नेगेटिव्स भी बताऊंगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि गाड़ी स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। ये बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। एंड एक और इसका जो मुझे पॉजिटिव अच्छा लगा, दैट इसकी प्राइस, क्योंकि जिस टाइम उस टाइम ली गई थी ये गाड़ी 2018 में, आई थिंक होंडा सिटी 2.5 लाख रुपया महंगी थी। तो 2.5 लाख रुपया बहुत होता है किसी के लिए, हर किसी के लिए तो, कईयों के लिए तो 2.5 लाख कुछ भी नहीं है, बट किसी के लिए 2.5 लाख बहुत ज़्यादा है। एंड जो इसका थर्ड मेजर मेरे को अच्छा पॉइंट लगा, इसकी एवरेज, कि इसकी एवरेज गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अगर आप इजीली चलाते हैं तो 17-18 एवरेज मिल जाती है पेट्रोल गाड़ी में। 18-19-20 तक भी गाड़ी ये एवरेज दे देती है। 5 लोग इजीली कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, इतनी स्पेशियस है ये गाड़ी। आप रेयर सीट कंफर्ट में, यानी आप जहाँ पे मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, मैं आपको पीछे का रेयर सीट स्पेस दिखाता हूँ। आप देखिए कितना स्पेस है इसका रेयर में। तो ईजिली इसमें 5 पर्सन अकोमोडेट हो जाते हैं। एंड इसका कुछ एक दो मैं ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ। एक इसका दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा इसका मेजर ड्रॉबैक जो लगा है वो है इसका हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम बेकार है। एंड दूसरा इसका जो मेरे को ड्रॉबैक लगा है, कई बार ऐसा होता है आप हाईवे पे जा रहे हैं, ओवरटेकिंग करते टाइम इसका इंजन आपको लैग लगेगा। इसके इंजन को आप लोग जो आजकल इंजन आए हैं टर्बो या स्कॉडा स्लाविया या वॉक्सवैगन की वर्टस में इंजन है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसका इंजन सिंपल है, कुछ वो पेपी इंजन नहीं है, आपको फन टू ड्राइव इसका इंजन नहीं लगेगा। बेसिक सिंपल इंजन है जो मारुति देती है, वही इंजन है इसका। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बार आपको होता है कि इंजन इतना इसका पेपी नहीं आपको फील होगा। एंड आज की डेट में तो ये गाड़ी आई थिंक इसको एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल मारुति को निकालना चाहिए। उस टाइम ये नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप के थ्रू परचेज की गई थी, बट आई थिंक अब इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल जल्दी ही मारुति को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वरना ने भी लॉन्च कर दिया है अपना न्यू जनरेशन एंड स्लाविया एंड वर्टस तो अभी ही रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं। तो इसको भी करना चाहिए अगर मारुति चाहती है कि इसकी सेल्स पे पिकअप करे, क्योंकि इसकी रीज़न ही मेजर यही है इसकी सेल्स का कि ये गाड़ी अब बाहर से एंड थोड़ा इंटीरियर भी इसका आउटडेटेड लगता है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें देखिए, आप ऑटोमेटिक एसी भी उस टाइम मिल जाता था, आपको एक दो पोर्ट्स भी मिल जाते थे, रेयर में एसी वेंट्स भी है दोस्तों। तो और क्या चाहिए आप उस टाइम के हिसाब से। ड्यूल एयर बैग्स भी हैं इसमें एंड आई थिंक अब मारुति को इसमें कुछ नया करना चाहिए, इंटीरियर भी पूरा ओवरऑल चेंज करना चाहिए एंड कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आउटसाइड भी देनी चाहिए।
ताकि गाड़ी ये एकदम फ्रेश लगे। तो ये इसका कुछ रिव्यू है, एक दो पॉइंट्स कुछ एक और मैं बता देता हूँ आपको इसके। एक दो पॉइंट्स दोस्तों ये हैं कि गाड़ी जैसे आप रखना चाहते हैं ये पॉकेट में आपको चीप होगी, क्योंकि इसकी प्राइस भी कम है, ये एवरेज भी अच्छी है, सर्विस भी काफ़ी इसकी आपको वो लगेगी अफोर्डेबल। सो ये इसका प्लस पॉइंट ज़रूर है। ये भी मैं बोलूँगा कि मिडिल क्लास के लिए आज की डेट में भी ये गाड़ी बजट में परफेक्ट है, जो कोई सेडान लेना चाहता है। बिल्ड क्वालिटी के बाद उतनी नहीं है इसकी, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद स्कॉडा और वर्टस, तो बट ठीक है बिल्ड क्वालिटी इसकी। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी कैसी है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सियाज के बारे में, अगर किसी के पास है या कुछ है किसी फ्रेंड के पास, क्या उसके अच्छे पॉइंट्स हैं या क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। स्पेस वाइज ये गाड़ी नंबर वन है इन सेगमेंट, इवन इन बूट स्पेस इसका बहुत ज़्यादा है, बट अच्छी गाड़ी है मेरे हिसाब से, मिडिल क्लास के लिए ये परफेक्ट है। क्योंकि आज की डेट में भी आप देखें सेडान वगैरह वर्टस या दूसरी स्लाविया लेना चाहेंगे टॉप मॉडल, तो आपको 18,000 लाख के करीब का पड़ेगा, एंड अगर आज की डेट में आप इसका भी लेंगे तो आई थिंक 12-13 तक आपको टॉप इसका ऑन रोड पड़ जाएगा, 3.5 मैक्सिमम इतना ही होगा। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इसका रिव्यू कैसा लगा, एंड अपने भी कमेंट्स या जो भी है शेयर ज़रूर करें इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।